किनारे भीख मांगने वाले लोगों को उनके घर वापसी कराने के लिए पुलिस विभाग अब एक्शन मोड पर आ गई है। लेकिन इनमें से कुछ लोग पुलिस से बचने के लिए मूवी की टिकट खरीद कर सिनेमा हॉल में जा छिपे हैं। नागपुर शहर में जगह जगह पर दूर शहरों से आए कई लोग भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन इनके वजह से कई नागरिकों को तकलीफें हो रही थी। सिग्नल पर वो लोगों को परेशान करते नजर आ रहे थे और नागपुर सिटी को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए शासन प्रशासन की ओर से लगातार विभिन्न उपक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी के तहत शहर से मांगने वालों के घर वापसी की मुहिम भी चलाई गई, जिसमें पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के आदेश पर पुलिस विभाग द्वारा शहर के कई जगहों पर निवास करने वाले स्ट्रीट बेगर्स को पकड़कर बस से उनके गृह ग्राम भेजा जा रहा था। काफी स्ट्रीट बेगर्स को भेजा गया है, लेकिन कुछ ने तो हद ही कर दी। पुलिस से बचने के लिए ऐसा पैंतरा आजमाया जो कि हमारी सोच से परे है। यशवंत स्टेडियम पर जब पुलिस का जत्था मांगने वालों को पकड़कर उन्हें गृहग्राम भेजने के लिए पहुंचा, तो ये लोग पुलिस से बचने के लिए छिपते हुए जानकी सिनेमा हॉल में टिकट खरीदकर मूवी देखने चले गए। लेकिन नागपुर पुलिस की आंख में धूल झोंकना इतना आसान कहा? पुलिस ने भी सिनेमा हॉल में घुसकर सबको बाहर लाकर बस से उन्हें उनके घर की ओर रवाना किया। अशी काही बाब पुलिस घाबरता आहे अशा काही बाबी नाही। हे बेगर्स असतील, ट्रान्सजेंडर्स असतील, त्यांचे विरुद्ध त्यांना पूर्णपणे शहरात त्यांचे जे गैरकृत्य आहे ते चालू देणार नाही। या विषयावर ऑलरेडी पुलिसची ठाम भूमिका आहे। काही त्या परिसरात जे यशवंत स्टेडियमच्या परिसरात काही भिकारी परत आले होते आणि पुलिस ज्यावेळी कारवाईसाठी गेली होती ते पडून काहीतरी सिनेमा हॉलमध्ये गेले होते, हे बाब खरी आहे। तिथून त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांना परत पाठवण्यात आलेली आहे आणि आमचे प्रयत्न त्या पूर्ण परिसर आणि इतर ठिकाणी भिकारी अवैधरित्याने भीक मागणार नाही यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।